एको अंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आदि सच युगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदवंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवे गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरबिंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहेब उदद मंदों कार्यन राग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। मुकुचरे शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लख है बदरो सुने जो काल कृपा कराय। कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। परम सत्कार योग गुरु साहिब जी की साजी निवास जी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग जी योग आप सरबत संगतां सरबत माई भाई इस स्थान दे नेड़े तो जा इस स्थान दे दूर तो जो भी श्रद्धा भावना दे नाल चल के आए हो गुरु नानक दे दरबार विच आप जी उमी सोभा पा रहे हो जिवें मान सरोवर ते हंस सोभा पाउंदे। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमे एवे पाउणा सरवर अंदर हीरा मोती सुहंसा। दसो पातशाहिया की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र हजूरी दे विच जिथे सतगुरां दे दर्शनां दा और सतगुरां नूं नमस्कार करन दा लाभ प्राप्त कीता है उत्थे नौदा भगती दे विचों जो कीर्तन भगती है और जिसनों प्रधानता प्राप्त है कलयुग में कीर्तन प्रधान है। सब तो बड़ा पुन पैदा करने वाला जो साधन है कल में एहो पुन गुण गोविंद वो कीर्तन आप जी सत्कार योग रागी सिंह साहबान भाई जसवंत सिंह जी तख्त श्री दमदमा साहब सेवा नवाते रहे
कि उन्होंने कीर्तन आप जी ने सुनाया, तुम भी सुनिया, मैं भी सुनिया, तुसा बहुत सुनिया, मैं थोड़ा समा मिले। शायद जो मैं पहला पता लग जाता कि रस पिने कीर्तन का मैं समा होर भी प्राप्त कर सकता सी। किते किते यह जिया गुरमुख रूहां दी रसना तो कीर्तन सुनने मिलता है जिहड़ा नरोल भगती नूं बखूद है। वो आप जी ने कीर्तन दी अपना सुनिया ते जिहदे विच कहा गया है हमरो ठाकुर सब ते ऊंचा रहण दिन तिस गाव होए। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव जी। कि ना विराट है, ना वैश्वा नर है, ना हिरण गबर है, गर्व है, ये भी नहीं है। कोई ना तो भी उच्चा है। 33 करोड़ देवते न, अवतारी पुरुष न, ऋषि मुनि, सब संसार दे जिन्हें आदरणीय पुरुष न ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉੱਚੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਔਰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਚੋ ਥਿਤ ਉੱਚੋ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਚੋ ਥਿਤ ਉੱਚੋ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੋ ਗੁਣ ਕਰ ਹੋਏ। ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਕਾਕ ਅਟਾਰੀ ਪਰ ਵਹ ਕਿਆ ਖਗਪਤ ਹੋ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਗਰੜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਚਾ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ,
पुराने समय शक्षी राज हुंदे सी, राजां दी बड़ी पूजा हुंदी सी, भगवान वांग हुंदी सी। किते ना किते भगवान कृष्ण की इस गल नूं लै के भी लोकी राजां दी पूजा करदे सी कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि लोकां दे विच मैं राजा रूप होके रह रहा। गीता दी उन भी उच्चा मनदे सी कि राजा होवे, विषयी होवे, कुकर्मी होवे, लोकी अखां बंद करके कहिंदे सी उच्चा साडे नाल। इत्थे उहनूं भी उच्चा नहीं इतने के सगल सृष्टि में राजा, सगल सृष्टि में राजा दुतिया की हो गया। उन्हें तप किया, तपो राज मिल गया। फिर राज तो बाद नरक भी तो हैगा, तपो राज राजो नरक। संसार दे सारे राजां दे विचों देवतियां नूं उच्चा मंदे क्योंकि जी उस वर्ग च रहिंदे न, उच्चे थां ते रहिंदे न, उत्थे बड़ियां सहूलतां। देवते उच्चे देवतियां दे विचों ओह कहिंदे वी साडे विच तिन देवते उच्चे है। हुण देवतियां दे विच ओही घाटां जिहड़ियां मनुखां दे विच ने देवतियां दे विच वी है। विषय प्रायण होना, इन्हां दीआं माड़ियां आदतां देवतियां दीआं, ग्रंथ भरे पए ने किहड़े देवते ने किहा जां चंद चढ़िया, उन्हां दे कुकर्म पुराणां च लिखे होए। फिर उच्चे किवें होए? गुण तां है नहीं, मनुखां नालों उच्चे मन लिया। देवते सारे इकट्ठे हो कहिंदे साडे नालों तिन देवते उच्चे ने, ब्रह्मा विष्णू शिव। और उन्हां दे कोल वड्डी जिम्मेदारी है जिहड़ी होर किसे मनुख कोल है नहीं। ब्रह्मा जी दे कोल बड़ी जिम्मेवारी है, परमात्मा वल्लों भी उह भांडे साजदा है। 84 लाख जोनां दीआं जिहड़ियां पोशाकां तैयार करदा है, उह इहो जिहा दर्जी है। कर्मां दे अनुसार उह पोशाक उहदे गल पा दिंदा है। जिवें चमड़े दी पोशाक हुण साडे गल पाई होई है, इहदी घाट ब्रह्मा नहीं घड़ी है, उस दर्जी ने घड़ी है। उहनूं घमियार कह लो, उहनूं दर्जी कह लो, कोई बात है। कोरी को मर्म ना जाना उत्ते जलाह कह दिता है, ते नहीं फिर उन्हों कमियार भी किया। पांडे साजन कर बहुत पांडे घड़े कमियार, ये भी कमियार भी किया। उस ते उच्चा उसनों कहा है कि बहुत उच्चा है, पर जदों गुणा दी तकड़ी पकड़ोगे क्या ये सच नहीं कि ब्रह्मा दे विच भी ओही घाट सी जिहड़ी आम एक मनुख च, बल्कि उदों भी निगाह वाली कि ब्रह्मा दी करतूत कीती होई नूं भाई गुरदास ने बिलकुल नंगियां कर दिता है। कहिंदे चारे वेद बखाण दा, चौं वेदां दी व्याख्या करन वाला विद्वान ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਵਾਕ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬਖਾਣ ਦਾ ਚਤੁਰਮੁਖੀ, ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਤੁਰਮੁਖੀ, ਉਹ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ? ਵੇਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਲਵਾਣਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਔਖੀ ਨਾ ਲੱਗੀ? ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 16 ਦੇ 16 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 16 ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ
ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਿਆ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲੇ ਦੋ ਉਜਲੇ ਪਤਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੋ ਚੀਖਣੇ, ਇਹ 16 ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਠਿਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਇਹ ਬੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਪ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਦੇਖਣ, ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਦੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸੂਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ 16 ਦੇ 16 ਇਹ ਪੂਰੇ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝਾਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਝਾਕਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠੋ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ। ਸੁਰਸਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਜੀਵ ਹੋ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਖੀ ਉਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਿਵਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ।
नशई बंदा जां तां गुस्से हुंदे ने जे आ जावे ना फिर खतरनाक बहुत हुंदा है। शिव जी सारे देवतां दी सब तों वध नशा करन वाला देवता है। पर महाराज ने लिखिया, भाई गुरदास ने कहा, अकत तूरा खावना राती बासा बड़े मसाने। ये एक करतब दसदा, अकत तूरा खादा सी तरारा चंगा आया सी, इस तरसूल नूं पा लिया हाथ, कहिंदा वी लगदा वी खांदे अज इह ब्राह्मण सुधर नहीं गोबिंद गोबिंद। कथा सुना चंगा फल नहीं क्या क्या, चलो होर देखते हैं। जो पिछे भी मूह ला लिया तो हम शक्ति वाली सी, परमात्मा ने उन्होंने भी शक्ति दसी, तो सुरुस्ति फिर आकाश में उड़न वास्ते कह एक ही रस्ता रह गया धरती के नो, मैं हम आकाश के जाके लोप हो जानी हाँ। इन्हें पंजवा मूह आकाश वाले पासे भी ला लिया। शिवी ने चक्या तुरसूल बढ़ दता सिर, कला इतिहास नहीं जिन्हों इतिहास कहते, गुरबाणी है, प्रमाण है गुरु ग्रंथ साहब जी का। जो सिर वढ़ दिता तो ब्रह्म हत्या का दोष ला गया, वह कपाल की उसके सिर से हाथ ला के मारे ना, वह सिर उसके नाल ही चिमड़ गया, लिया नहीं। कर्म कर कपाल मफिट शरीर, रोज कहनी बाणी देवी होर की वर्ष है। तीर्थ तीर्थ परमता लहे ना पार रही, लह नहीं सी रहा। जिथे जाके ओ कपाल दा मोचन हुंदा, मोचन हुंदा छुट जाना। अज भारत दे तीर्थां दे विच उहनूं बिगड़े हुए शब्द गोपाल मोचन कहिंदे ने, गोपाल मोचन नहीं है कपाल मोचन। कपाल दा मोचन होया सी इह हरियाणे दी जगह दे विच कोल इत्थे रहिंदे। ते फिर ब्रह्मा उच्चा किवें होया, वह तो आम बंद भी नीच कर्म कर बैठा। तो हमरा ठाकर सब तो उच्चा जो है, जो रागी सिंह जी कह दिंदे सी हमरा ठाकर सी कि मेरा ठाकर, हमरा ठाकर वो मैं तो सुन के इतनी ना हूँ खुदा बन गया भी चलो कथा ही कर दी है इसे शब्द की से। तो हम शिव जी है, मेरे किसी भी हिंदू भरा ने अज की कथा का दुख नहीं मनना, यह तो थोड़ी पुराने से लिखी हुई है, मैं तो उतों ही पढ़ी है, ये लिखी हो तो घराने के इस करके मैं थोड़े तो मेर की ये भी बितकरा नहीं करना चाहता, लेकिन गलती जी दी है कहनी पे। हमारा ठाकर किमें उच्चा है जे असी गाव्या अज स्टेज तो सानू दसना भी बनता है ना कि साडा ठाकर किमें उच्चा है। ठीक है, ब्रह्मा की पूजा भी करने वाले हैं लोग, और शिव जी की पूजा के तो बहुत सारे मंदिर बने, तुहाड़ी पूजा ने मैं रोकता नहीं, लेकिन सारे तो उच्चे ठाकर का मुकाबला नहीं हो सकता। हुण शिव जी है तो भगवान जी नूं कहिंदा एक दिन, कहिंदे जी जदों तुसीं देवतियां दी और राक्षसां दा झगड़ा पै गया सी रतन मंडन पिछे, श्री मन बाबार ने संक अमीगर राज बिख तेन शशि कल्ब धंक धन अंतरबाज, ये 16-14 रतन है जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखे, 14 रतन निकाले हैं। बण ते रौला पै गया तां फिर उत्थे झगड़ा नबेड़न वास्ते भगवान जी मोहनी रूप धारण करके आ गए, ते मोहनी रूप दे पर मार लिया राक्षसां नूं। चलो बंड सी सही तरीके कर दी, तो उहदे चो शिवजी नूं पता सी, कहिंदे जी उह जिहड़ा मोहनी रूप धारण कीता सी ते जिहदे च जिहड़े राक्षस सी एडे कुरखत उह भी मोहित हो गए, फिर मैनूं हाल दिओ के मैं है नहीं सी उत्थे। उह कहिंदे तूं की लैणा देख के, कहिंदे नहीं जी मैं देखना चाहुंदा। वह कहते तू बंदगी करने वाला बंदा है, तू चुप करके बंदगी करी जा, मुड़ के एवं बेइज्जती हो जाऊगी तेरा रूप देख के। जी एक गल कहते तू स्थिर नहीं रह सकता, कहता नहीं ये नहीं हो सकता। चलो जे तू फिर ऐसा जिद करना ही है तो फिर इस तरह कर, पारवीत को हार श्रृंगार करके अपने कोल बहा लै, ता कि जे कि ऐसी कोई वाचना भड़क भी गई ना काम वाचना तो फिर बेइज्जती ना हो तेरी। चलो जी ऐसा होया, जदों
मोहनी रूप भगवान जी ने धारण कर लिया, चेता ही भुल गया भी मैं देवता, चेता भुल गया पार्वती का, दौड़िया मगर स्पर्श करना चाहता है, होर अगे हो जाते हैं, तो लक का वस्त्र खुल गया, ऋषियां मुनिया के बेपड़त हो गया, तो हुण तक उसकी भंडी होई जाती है। भी यह गुरबाणी के फिर इन पंचन मेरा मन जो गा रहे हो पढ़ के देखो शब्द सारा भी उसे की लिखा, भी जब देखो तो दुखी राशि लिखे ना अगुना तत्याय निगम पे साखी, ये यह सारा गुरबाणी च जिहड़ा ना वो शुद्ध रूप दे विच सारियां कथावां ने, जड़ सारी है गुरबाणी दे विचों, जदों नूं विस्तार करना तुहानूं फिर ये घराने की विद्या पढ़नी भी पे। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिहड़ी सारियां कथावां लिख दित्तियां श्री दसम ग्रंथ विच, भी ये भावना दे नाल मेरी रचना होण के पढ़ लैणगे ते पुराणां नूं कहणगे बामणां दे नहीं पढ़नगे, विद्या तों वांझे रह जाणगे। श्री दसम की रचना इस करके की है, उस घराने की विद्या का ज्ञान हो गया। हुण सिखां दी माड़ी किस्मत जिहड़ा उहदा भी विरोध होने लग गया, कहवे की करनगे, ये तो कल गुरु ग्रंथ साहब का विरोध भी कर सकते हैं, दसम का विरोध हो गया, इतिहास का विरोध हो गया, तो थोड़े को रह की गया वक्त गुरु ग्रंथ साहब है, यदा भी चल पाया भी ये जी बहुत सारिया गलों मिथ्या लिखी। अमृतधारी तुहाडे नालों पक्का सिख कहाउण वाला कहिंदा अज तो 40 साल पहला की गल है, उदो बाद बरसीण मांगो यह नास्तक होर भी पड़ाक फुटिया इन्हों, वह कहता जे मेरे बस चले देवसी भी जहर कर ला, जे मेरे बस चले कहता सुखमनी साहब जो 13वीं अष्टपदी सारी खड़ गई। उन्हें कहा तेनों की तकलीफ होगी सुखमनी साहब की 13वीं अष्टपदी, कहता ये ना डराया गया भी साधा की निंदा ना करो, ये किसी साधा दे किसी उपाशक ने पा दी है गुरु अर्जन देव जी अगे नहीं, जे कि पंथ नूं आग्या दे दिंदा 13वीं तो बाद उन्हें 6वीं 7वीं भी होना सी, उसे साथ की महिमा की है सर की महिमा बेदना चाहना है, जेता सुने तेता बख्या ने, क्या हो रहा है, बच जाओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के एक ओंकार तो 18-10 पीस तक पूर्ण विश्वास चाहिए, ये गुरबिलास पातशाही 6वीं दे विच हजूर का वचन है। महाराज कहिंदे धार प्रेम गुरु ग्रंथ का किवें करना पाठ, आपणा अखंड पाठ है, धार प्रेम गुरु ग्रंथ का पाठ करे मन लाए, राग माला पढ़ प्रेम सो भोज जगदी ते पाए, राग माला पढ़ प्रेम भोज जगदी। बगाना नहीं है कोई साढ़े न जिहड़े कहिंदे राग माला बाणी है, साढ़े ने जिहड़े कहिंदे मूल मंत्र गुर प्रसाद तक है, मुसलमान तो मैं कोई कहिंदा सुनिया नहीं है, ना कोई हिंदू कहता सुनिया, ना इन्हों का आचार्य कहता सुनिया, फिर हो की रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब ते भी हमला हो रहा है, बह के समझी जा सकती गवा झगड़े पाने की लोड़। मैं निश्चय नाल कहना होमे च आके कोई गल कही हो इस दर से परवाह नहीं होंगी, जिन्हों भी दोनों गलों से कोई शंका हो मूल मंत्र से हो राग माला से हो तो वह कित किसी भी तख्त पंजा तख्तों चो चोन कर ले, मैं फलाने तख्त पर आके उस तख्त का सिंह साहबान बह जाए, उत्थे ही संगत बह जाए, तो उत्थे मीडिया सद्या जाए, पूरी दुनिया से गल जाती हो भाई बह जाए शंका करने वाला, तो दास का शरीर हाजिर होएगा उत्तर देने वास्ते, तो संगत फैसला कर लेना, मेरे को सबूत ठीक होया संगत उन्होंने प्रवान कर लैन, वो को ठीक है संगत वो गल प्रवान कर लें, झगड़े क्यों। मैं कदे जबान उन्ना चिर खोली नहीं जिनी देर तक मेरे को सबूत नहीं मिले, जे मैं भाई संतोख सिंह की रचना से निश्चय नाल कहना ने भी भाई संतोख सिंह का कसूर नहीं कोई, उहदी रचना एक भी गल गलत नहीं लिखी हुई, पर उहदी रचना दे विच जिन्होंने गलत लिखी है मैं उहदी गल करदा, उन्होंने भी इहदे विच बहुत कुछ बदलन वालिया ने लिखिया, 4.5 साल लगे सी इहदियां मीटिंगां, जिहड़ियां मीटिंगां होईयां ना गोरियां दियां उस वेले गोरी सरकार सी जदों बदलिया,
ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਲੀ ਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੜਬੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਪੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੁੱਗ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਦਵੈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛਿਗੇ ਗਿਲਵੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੀ ਵਾਰ ਸਿਖਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਸਤ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਹਮਰੋ ਠਾਕਰ ਸਭ 'ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਰਾਕਸ਼ਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਸ਼, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਤਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰੀ ਦੈਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਲੰਧਰੀ ਦੈਤ ਸੀ ਇਹ, ਦੈਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਢਿਆ ਸੀ ਮਾਰੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਂ ਦਿਓ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਂ ਦਿਓ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਕਾਰ ਕੁਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡ ਲਾ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ
इन्हां दे अंदर तमो गुण प्रधान है। जिहदे अंदर तमो गुण होवे ना उहदे कोल पैर पैर दी गलत कम हो जाते, तमो गुण गलती रहिंदी आ। मारन वाला बंदा किते उहदी चैन आ सकदी है, जदों दूजे नूं मारूगा पहलां बेचैन आप होया होंदा। सप्प डंग बाद च मारदा, पहलां आप ही जहर च बेचैन। तमो गुण प्रधान है। ब्रह्मा दे विच रजो गुण प्रधान है। विष्णु दे विच सतो गुण प्रधानता है, ते रजो तमो गुण दबा के रखे ना, इसलिए फिर ओ इन्हां दे विच इन्हां दे आधार ते तां वड्डा है। पर जिथे सब ते उच्चा ठाकर दी गल है ना, ते ओहदे विच वे की कहा है, ओहदे विच तां इह कहा, काल पुरख की देह मोह कोटक बिसन निवेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रस करोड़ी ने। सब ते उच्चे ठाकर की गल की है जपजी साहब के विच ही, एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लय दी पान, जिव तिस भावै तिवे चलावै जिव होवै प्रमान। ओह वेख है जिहड़ा सब ते उच्चा ठाकर, हमरो ठाकर सब ते उच्चा, ओह वेख है उन्हां नजर ना आवै। बहुत ये विडान विडान नाम सिर दी है। ऐसा जिहड़ा ठाकर है वो सब ते उच्चा, उदो उच्चा कोई नहीं है। गुरबाणी दे विच सब तो उच्चे ठाकर की गल की है, जिहड़ा निराकार है, परमेश्वर है, वाहगुरु है, अकाल पुरख है, ते उहदे विशेषण दसे मूल मंत्र दे विच। ऐसा जिहड़ा परमेश्वर है, कहिंदे उहनूं रात दिन रहण दिन से तिस गाव हो रहे, दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजे टीजा, उहदे गुण गाओ। हुण अगली गल है वी उस ठाकर दा, हुण बाकी दा जिहड़ा सी इहनां च देवतिआं च ना इक रह गया किते, बाकी दे ना देवते मेरे नाल गुस्से हो जाण, जिहड़ा सारिआं ते माड़ा सी उहदा तां नां ही नहीं आया। ऋषि ने लिस्ट उत्ते कथा करदे करदे ने, शिवजी कहूगा मेरी भी उत्थे संगतां दे विच ने, विष्णु जी कहणगे किते देवते ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣੇ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੰਦਰ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਣਾ, ਪਰ ਕਰ ਜਾਏ ਸਰਾਪ ਲੈ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਭਗਤ ਪੱਛੋ ਤਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। जो मनुखां च कमियां ने ओह देवतिआं दे, इस करके महाराज ने कहा मेरा खालसा किसी देवी देवते दी पूजा, एक दी पूजा करनी है ते एक दे असीं सेवक होणा। खालसे नूं इह कहा भी एक वाहिगुरु परमेश्वर दा सरूप गुरु ग्रंथ साहिब दी पूजा करो। जागत जोत जपै निस्वासर, रात दिन जपो, यह जागदी जोत है गुरु ग्रंथ साहिब। उस निरंकार ने 10 जामे मनुखी जामे धारण किए ना, वो सारे तो उच्चा है। गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक ये उच्चे दे जामे ना, किसी जामे की गल करो। पर कैसे कैसे करतब मेरे हजूर पातशाह दे मेहरबान होंदे ने, तां गुरसिखां दा सत्कार करदे होया उचारण करदे ने, कहिंदे गुरसिखो जिहड़े पूर्ण रहत वहत दे विचो खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हाँ करो निवास। खालसा मेरा रूप है, मैं खालसे दे जिया। एक जथेदार मन्ना सिंह जी होया अमृतसर साहब, उस वेले पंथ दे विच एडा सत्कार सी जथेदार मन्ना सिंह जी का, अमृत छकन वाले कहिंदे सी वी जथेदार भाई मन्ना सिंह जी ते उहनां दे नाल चार जिहड़े सिंह ने उहनां दी इन्नी कमाई है वी जे उहनां दे हत्थों अमृत छकीए इक भावना जागृत हो गई साडे सिखां। जे तख्त श्री दमदमा साहब अमृत संचार होना तां वी भाई मन्ना सिंह जी नूं बुलाओ उहनां दे जथे नूं, जे तख्त श्री केसगढ़ साहब दे अमृत संचार होना तां वी भाई मन्ना सिंह नूं बुलाओ
एक दिन की बात है, भाई मन्ना सिंह जी केसगढ़ साहब संगत ने अमृतपान करना सी, उन्होंने अमृतसर साहब तो सद लिया गया। वो जत्था लग गया, बहुत पुरानी बात है। जिस वेले उत्थे आए, अमृत संचार की पूरी सारी तैयारी हो गई। सिंघां दी ड्यूटी लगती है, जेडे पंजा प्यारियां दी सेवा च लगे है उन्हूं पता है कि सैकड़े बारी महाराज ने मेरे शरीर तो सेवा लई है। सिंघां नूं भई तू बाटे मांझ के सोध के लिया के रखणिया, तू देग बनाउणी है, तू महाराज दी जलाई दा ते आप सारी सुपरवाइजरी करनी, सारी देखणी करनी, ते सारे रल के करदे सर, बड़ा टाइम लग जांदा। वो जो तैयारी हो गई, अचन चेत एक सिंह की सेवा कराओ, तो उन्हें कहा जयदार जी मेरे को बैठा नहीं, मेरे को खलोया नहीं जाता, तो मैं बाणी नहीं पढ़ सकांगा, मैं पंजा प्यार मैं लग नहीं सकता, मैनू तो आ गया। संगत आई बैठी है, पंजा प्यारियां दे एक सिंह अचन चेत ढिला हो गया। जथेदार जी नूं बड़ा फिक्र लग्या, उन्हें कहा सारे जिन्हें उत्थे सिंह सी कहिंदे भाई आनंदपुर साहब दे विच कि महाराज साहब सच्चे पातशाह जी आनंदां दी पुरी है, मैनूं विश्वास है सिंह तां अनेकां होणगे पर मैं नहीं किसे नूं जाणदा, जे तुसीं किसे नूं जाणदे हो पर ध्यान रखना भी उहदी रहत वहत भी पूरी होवे, ते उहदा नितनेम भी पूरा होवे, उहदा जीवन भी उच्चा होवे। इह साडे पंजां दे विच लगण दे वास्ते कोई सिंह है तुहाडे निगाह तां दस दिओ। इक सिंह बोलिया जथेदार जी है ते कौन? कहिंदे जी सोड वंश दे विचों, आनंदपुर साहिब दे सोडियां दे खानदान दे विचों, गुरु का अपनी अंश वंश है, उहदे विचों संत संपूर्ण सिंह जी। कहिंदे कित्थे आ उहनां दा घर? चलो घर तो मैं दस दिना, पर वह बड़े बेमुताज न, आन ना आन पर मैं तो दसना सी दसदा। कहिंदे चल जयदार जी घर च रहे, बुआ गड़काया जदों देखिया जयदार मन्ना सिंह जी आए ना, वो संत सपूर्ण सिंह कहिंदे वाह वाह, कहिंदे अज तो कीड़ी दे घर नारायण चल के आ गया। कहिंदे नहीं जी नहीं, ना 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 ना, नारायण दे घर कीड़ी चल के आ गई। चलो ये तो गुरु सिखां दा आपस विच ही आदर दा वचन सी। कहिंदे चलो दसो की छको की किया? कहिंदे नहीं, बेनती है महापुरशो, वैसे भी सोड़ वंश पीढ़ी चली सोटियां रूह दिखावन बारों बारी, तुहाडे सोड़ वंश नूं महाराज ने बड़े भाग लाया भी, और उस अंश वंश दे विचों। दूसरी गल है भी गुरु गोबिंद सिंह दी सिक्की संपूर्ण संभाली हुई है, मैनूं ये पता लग्या तुहाडा। साढ़े जथेदार सिंह एक बीमार हो गया, तो तुम पंजा प्यारियां दे विच मैं बेनती करा हाथ जोड़ के, कहते ना ना हाथ जोड़न की लोड़ नहीं, तुसी चलो मैं आया, मैं के शीश नान करना, फटाफट के शीश नान किया, तैयारी की, उत्थे आ गए, बहुती देर ही नहीं लाई। जथेदार मन्ना सिंह जी बड़े हैरान सन भी पंजा प्यार के लगन वाले ढिल मठ कर जाते होंगे, तो बाबा जी बड़ी छेती आए भी चलो शुक्र होया अमृत संचार होया, जिन्हें की सदाई करवानी सी सदाई कराने वाले पूछ लिया की गलती हुई है, जो डन से हो जो मर्यादा भुगता दी। जो पंजां प्यारियां दीयां वर्दियां जिहड़ियां पहनिया हुई जो अरदास कर दी, संपूर्णता हो गई, वर्दी ला दी सारिया ने, फिर तो साढ़े वर्गे सिख है ना, फिर उस वेले जथेदार मन्ना सिंह जी कह लगे महापुरशो एक मेरे मन में थोड़ी जी शंका है जी, दसो। कहिंदे भी अमृत संचार लगन दे विच चंगे चंगे सिख भी जे उन्हां नूं कह दिए वह टाल मटोला ही कर लैंदे है, पर तुसी बड़े चा नाल आए, तुहानूं तां उत्साह हो गया उस वेले, नहीं तां अज मसला बड़ा औखा हो गया सी, भी इहदा की कारण है? वह कहिंदे जी तुहाडे कोल समां है गल सुण जोगा, जे तो तुसी छेती जाणा फिर मैं गल नहीं विचाले कटनी वढ़नी, जे तुहाडे कोल समां है मैं सुना देना। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ
भी जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने तख्त श्री केसगढ़ साहब अमृत का वाटा तैयार किया सी, जदों पंजां प्यारियां दे सिर धड़ वखरे करके उन्होंने अमृत दे के जिउंदे कर दिता सी, ये सारा कुछ वापर गया, तां उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने उन्हां पंजां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती की थी कि खालसा जी, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साह सिंह जी, तुसी पंज सीस दे के अकाल पुरख नूं प्रवान होए हो, ते मैं तुहाडे विच अकाल पुरख की भावना करदा हाँ, ते जिवें मैं तुहानूं अमृत छकाया हुण तुसी भी मैनूं अमृत छका लिखत है। सो गुर पूरन, जिहड़ा गुणां च पूरा, गुणां च पूरा है, और उस ठाकर दा जिहड़ा सब ते उच्चा है, हमरो ठाकर सब ते उच्चा, जिहड़ा एक माण है जिन्हें धरती ते अज तक अवतार आए, केवल गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं माण है। अकाल पुरख वाच चौबी पढ़ के देखो, उत्थे लिखिआ है भी ये जिहड़ी चौबी आ अकाल पुरख वल्लों है। महाराणी कहा सी, मैं अपना सुध तोहे निवाज, पंथ परचर करवे को सज। मैनू अकाल पुरख ने अपना पुत्र पदवी दे के संसार विच भोजे भेजे है, ते खालसा पंथ की सिरजना करन वास्ते। ये भी कहा, चेतना पयो हमारा आवन के, मैं तो उन्होंने चाहता नहीं सी, चुभी रही सुरत प्रभचर ने, मेरी तो सुरती लगी हुई सी, पर मैं अकाल पुरख का हुक्म मन के आया, आ गया पहली अकाल तभी चलाए पंथ। कहिंदे उस वेले हुण अगे लिखिआ है, कहिंदे सो गुर पूरन अमृत मांगत, मंगदा की है जिहड़ा दाता अज तक दिंदा रहा सारिआं नूं रहिंदी जिंदगी देणा, जिन्हें पुत्र भी दान करते, पिता भी, माता भी, अपने खानदान दे भूआ दे पुत्र भी, मामे दे पुत्र भी, 22 शहीदियां इक्को ही खानदान दीआं गुरु गोबिंद सिंह साहब दीआं पुत्रां दा दान, अज मंगण वालिआं दी कतार विच खड़ा है। ते भाई दया सिंह दे अखां च अंसू आ गए, हाथ जोड़ के कहण लगे, दाता इहदे नाल पड़ो, हाथ ना जोड़ो। सो गुर पूरन अमृत मांगत, खालसे अगर खरे हो कर जोड़, हाथ जोड़ो। महाराज हाथ ना जोड़ो, मेरे मन नूं कुछ कुछ हुंदा, तुहाडे हाथ जोड़े हुए मैं वेख नहीं सकदा। क्यों? नीचन नीचन जंतन के हम बारक, नीचन जातन के हम बारक। महाराज असीं तां नीच कुलां दे विच पैदा होए, तौ किरपा कर तुहे निवाजे। अज तेरी किरपा दे नाल पंज प्यारियां दे रूप च खड़े हां, ते निवाजिआ तां तुसीं हैं, निवाज के तुसीं हाथ जोड़ के क्यों खड़े होंदे? असीं तां कदे नंगी किरपान नहीं सी हाथ ते करद नहीं सी फड़ी हाथ विच, ते तुसीं वीर रस दे के सानूं त्यार प्रत्यार ए साज दिता है खालसे रूप च महाराज, ते तुसीं समर्थ हो, अकाल पुरख दे पुत्र हो, ते तुसीं हाथ ना जोड़ो, ते ए वाजब नहीं है। और फिर यह किवें हो सकता असीं तुहानूं अमृत छकाई, तुसीं दाते हो अमृत, असीं तां तुहाडे दर दे भिखार ही रहे हां। कहिंदे भाई दया सिंह जी, अकाल पुरख का हुक्म है, मैनू इसे तरह छकण दा ते तुहानू इसे तरह छकाउण दा, हुण दसो भी अकाल पुरख का हुक्म नहीं मनोगे? सिर झुकाता महाराज जिवें आओ छकाओ, फिर सलाह की चौहान दे नाल भाई दया सिंह साहब ने कला वरता दिती, वीरस जागया थोड़ा जा, कणकी वाले सतगुरु जी असी अमृत सिर दे के छकिया, सौखा जा नहीं दिता तुसीं, तुसीं साडे आगू हो पंथ दे, तुसीं दसो की करोगे? महाराज साहब कहिंदे तुसीं तां अपना अपना सिर दिता है,
मैं तो अपने सिर के समेत सारे सरबंस के सिर दे दूंगा, तुम अमृता छकाओ सब दे। ये कहानी तो इतने तक प्रचार के है आई हुई, वो तो मैं जान के लड़ी जोड़ वास्ते सुनाई है, पर मैं तो कुछ होर सुना रहा जो प्रचार च नहीं आया। वो ये है कि भाई दया सिंह जी कह लगे गरीब नवाज अमृत असीं छका दें, हुक्म तुहाडा सिर मथे, पर खालसे की एक बेनती तुहानू मिलनी पड़ेगी। मारे कहिंदे तुसीं हुक्म करो। गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है क्योंकि बड़ा ठाकर है ना, किवें वरता है महाराज। खालसे की बेनती है कि जिवें अज पंजां सिंघां दे विच आप जी हाजिर हो, अमर दा बाटा कोल पिया है, हाजिर हो इस वेले, ते फिर ये बेनती प्रवान कर लो कि अज तो बाद जिथे भी अमृत संचार होवे, जदों अमृत संचार होवे तुसीं इसे तरह हाजिर रहा करोगे जिवें हुण हाजिर हो। जे तुसीं ये साडी बेनती प्रवान कर लो तो असीं अमृत छका दे। महाराज कहिंदे भाई दया सिंह जी हजूर कहिंदे मैं वचन देना, अरे ये याद रखना, छत्री को पूत हूं बामन को ना है, मैं छत्रियां दा पुत्र हाँ, छत्री दे प्राण प्रतिज्ञा दे विच होया करदे, जे प्रतिज्ञा टुटी छत्री दे प्राण नहीं रहिंदे। मैं तुहानू वचन देना, सिखां नूं कहिआ ना भी वचन दे के कदे नहीं मुकरना, मैं वचन देना रहिंदी दुनिया तक दा, शरीर मेरा कुछ सालों तो बाद चला जाएगा पर मेरा वचन नहीं जाएगा। रंग ही होर हो गया, मेरा वचन रहेगा रहिंदी दुनिया तक, पर जे तुसी ये शर्त लाई है अमृत छकाउण दी, तो शर्त एक मेरी भी है। महाराज दसो पंजां च लगन वाला कोई वज्र क्रहतिया ना होवे, पंजां च लगन वाला पंज वाणियां दे नित नेम तो बिना ना होवे, शाम दे वगदी रह रास ते कीर्तन सोले तो बिना ना करे वो अपना जीवन बतीत करदा होवे, झूठ ना बोलदा होवे, धर्म दी किरत करदा होवे, सिमरन करदा होवे, लै मैं वचन देना जदों पंजां प्यारां च इहे जे सिंघ लगे होणगे कमाई वाले, तां भाई दया सिंह जी मैं भावें किसे नूं देखां जां ना देखां, जे इको टाइम ते हजारां थां ते पंज प्यारे अमृत संचार करदे होणगे, मैं हजारां देहां धारण करांगा, और हजार देहां धारण करके जदों अरदास करोंगे कि सचे पातशाह सारी समगरी तैयार है, हुण आग्या दिओ अमृत संचार करन वास्ते जी पंज बाणियां पढ़नियां है, जदों वाहिगुरु कह के जपजी साहिब आरंभ करोगे, मैं तुहाडे पंजां दे शरीरां दे च प्रवेश आप हो के अमृत तैयार करिया करा, तुहाडे केवल शरीर होणगे, मैं पंजां दे विच आप हाजिर होवांगा। ये गल कह दिया, तुहाडे याद आने मैं जिहड़ी साखी सुणा, मैं मेरे को दो मिनट रह गए मैं समाप्त करा। ये गल कह दिया संत संपूर्ण सिंह दे अखां दे विचों पानी बग गया। जहदार मन्ना सिंह जी कहिंदे जी ये क्या बात है, कहन लगे जी साडे खानदान दे विच उस वेले तों अगे तो अगे सिख्या चली आ रही है, बच्चा त्यार पर तैरना ते पंजां प्यारां च लगना। जथेदार जी मैं पंजां प्यारां च इस करके लगना, जे मैं करोड़ां जन्म धारण कर लैंदा मेरे शरीर दे च कदे गुरु गोबिंद सिंह प्रवेश नहीं सी कर सकदे, हुण जदों मैं अमृत संचार करदा एक बारी गुरु गोबिंद सिंह जी गेड़ा मारे जांदे ना मेरे शरीर विच, उन्हां दा वचन जी दित्ता होया मेरा शरीर पवित्र हो गया, इस करके मैं जल्दी दे के पंजां प्यारां च लगना है। हमरो ठाकर सब ते उच्चा रहण दिन किस बाबूरे। रवि सिंह का धन्यवाद है जिन्होंने शब्द गाया, तो दास नूं हुण अग्या बख्श करो, अगे समा जिहड़ा है वह आप जी नूं प्रबंध दसणगे, तो अगला हफ्ता जिहड़ा वह अज ही अनाउंस कर देण भी मेरा टाइम जिहड़ा किन्ने तो किन्ना है,
कुछ मेरे प्यार वाले सज्जन जो मैनू पूछी जाते हाँ भाई ये जिन्हों की जिम्मेवारी है वह दसनगे थानू वो इत दस दिता जाए ता कि फिर संगत को उधर 3 बजे मैं क्लास भी लैनी होंगी है जी बच्चे ने कहा 35 मेरे को इस वे विधान की क्लास है बहुत गूढ़ तो इस करके मैं 1 घंटा उन्होंने बच्चों भी दिता है वो फिर थोड़े गुआढ़ी भी जोर पा रहे हैं सज्जे खबे हो सकता उन्होंने भी थोड़ा बहुत मैं टाइम देना पवे पर थोड़े नाल वचन है मैं अपने वचन से है तो तुम संगत भाई ये दस दौ जो कल तो हफ्ता शुरू होता है वो मेरा टाइम किन्ने तो किन्ना है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।